हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे एस ए वन एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं 15 सितंबर से, और मैंने आपके पास सिलेबस भी सेंड कर दिया है। सिलेबस में चैप्टर 3rd, 4th, 5th आवर पास्ट, चैप्टर 3rd, 4th, 5th जियोग्राफी, और चैप्टर 1 to 5 सिविक्स। सो वी स्टार्ट नाउ रिविज़न चैप्टर 3rd आवर पास्ट। वीडियो को लिसन केयरफुली करना है और वीडियो क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझना है। लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले बेटा, जो मैंने वीडियो को सेंड कर रखी है लेसन की, उसको भी ध्यान से सुनना है, ताकि जो लेसन के अंदर से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुट करेंगे उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। सो नाउ स्टार्ट चैप्टर 3rd आवर पास्ट, दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली, यानी कि कौन सा शासक था जिसके द्वारा दिल्ली को सबसे पहले अपनी कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था, राजधानी स्थापित की थी? तो अनंगपाल ऑफ तोमर राजपूत, आप यहाँ तोमर राजपूत लिख सकते हैं, जो तोमर राजपूत से फर्स्ट एस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत थे, दिल्ली के सुल्तान थे, उस टाइम पे जो प्रशासन की लैंग्वेज होती थी वो क्या होती थी? पर्सियन वाज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, पर्सियन फारसी लैंग्वेज यूज होती थी। कौन सी लैंग्वेज बेटा? फारसी। तो कौन, या फर्स्ट क्वेश्चन में कौन से रूलर थे? तोमर राजपूत से, जिन्होंने फर्स्ट दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। सेकेंड में कौन सी लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में? पर्सियन फारसी लैंग्वेज। थर्ड, इन हूज रीजन डिड द सल्तनत रीच इट्स फर्दस्ट एक्सटेंस, किसके शासन के दौरान, यानी कौन से सुल्तान के शासन के दौरान सबसे ज़्यादा जो दिल्ली सल्तनत थी उसका ज़्यादा एरिया पर कंट्रोल था, सबसे ज़्यादा दूर तक किसके एरिया फैला हुआ था? सल्तनत रीच इज फर्दस्ट एक्सटेंडिंग रीजन ऑफ द मोहम्मद तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक जब सुल्तान बने थे, रूलर थे, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा एरिया पर कंट्रोल था दिल्ली सल्तनत का। क्वेश्चन नंबर 4th, विच फ्रॉम कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया, कौन से देश से इब्न बतूता भारत में आए थे? तो ये है, उसने इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को, मोरक्को से, जो अफ्रीकी थे, अफ्रीका से थे, मोरक्को से इंडिया की यात्रा करने के लिए आए थे, मोरक्को से आए थे भारत की यात्रा करने के लिए, कौन? इब्न बतूता। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीसेंट्री इन माइंड, इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है? सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय चक्कर। तो न्याय चक्कर क्या है? न्याय चक्र के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स, जो सेनापति थे सेना के, क्या किसानों का इंटरेस्ट ध्यान में रखना जरूरी नहीं था? ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस, जो न्याय चक्र के अनुसार, क्या किसानों की तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं था? सिर्फ सेना की तरफ ध्यान जरूरी था, या किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था, ये पूछा गया है। ये आंसर है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय का जो चक्कर, इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीसेंट्री इन माइंड, किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था, बिकॉज ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, कि एक राजा सैनिकों के बिना नहीं रह सकता, अगर एक राजा के पास सेना नहीं होगी तो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? तो सेना में सैनिक होना जरूरी है, तो सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए, या सैनिकों को अपने देश की रक्षा को बनाए रखने के लिए, सोल्जर कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरी, तो सैनिक को अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगा? तो सैनिकों की जो सैलरी वो कहाँ से आती है? सैलरी ऑफ द सोल्जर कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्ट फ्रॉम पीसेंट, तो सोल्जर सैनिकों को जो सैलरी दी जाती थी वो कहाँ से दी जाती थी? किसानों के द्वारा जो इकट्ठा किया जाता था टैक्स, उस टैक्स से ही, लगान से ही किसको सैलरी दी जाती थी? सैनिकों को। बट पीसेंट कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोपरियस एंड हैप्पी, किसान तभी तो
लगान दे पाएंगे जब वो खुश होंगे। राजा के शासन के टाइम में जब किसान खुश होगा तभी तो टैक्स दे पाएगा, जब उसके पास जमीन होगी, जब वो अच्छी फसल प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करेगा अच्छी फसल का, तभी तो वो लगान दे पाएगा। इसलिए कहता है कि किसान के इंटरेस्ट का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि लगान किसान देते हैं और जो लगान का पैसा इकट्ठा होता है उससे सैनिकों को सैलरी देते हैं। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस, एक राजा का न्याय चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन द इंटरनल एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, यानी कि जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल होता है इनसाइड एरिया और एक्सटर्नल बाहर का एरिया, तो आंतरिक और बाहरी सीमा से क्या आप समझते हैं, फ्रंटियर से क्या समझते हैं। इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत इंक्लूड इंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स, यानी कि जो एरिया है वो गैरिसन का जो एरिया है, गैरिसन शहर के आसपास का जो एरिया है, गंगा यमुना दोआब, दोआब होता है टू रिवर्स के बीच का जो जगह है, एरिया है, तो गंगा यमुना दोआब और जो हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स, ये कौन सी एरिया में इंक्लूड होता है, इंटरनल फ्रंटियर के अंदर। समझ में आया बेटा, इंटरनल फ्रंटियर सल्तनत इंक्लूड करता है इंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन और गंगा यमुना दोआब का जो एरिया है उसको, एक्सटर्नल फ्रंटियर में इंक्लूड कॉन्क्वर्ड्स एरिया ऑफ सल्तनत साउथर्न इंडिया विच इज अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली से दूर दूर का एरिया, जो दिल्ली सुल्तान थे वो रूल करते थे दिल्ली के आसपास के एरिया को, तो एक्सटर्नल एरिया जो उनका होता था, जो एरिया उनकी दूर की सीमाओं से लगता है, यानी कि सुदूर के क्षेत्रों से लगता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th, व्हाट वर द स्टेप टेकन टू इंश्योर दैट मुफ्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज, जो मुफ्ती हैं या मुफ्ती हैं, मुफ्ती के द्वारा जो ड्यूटीज की जाती है, पूरी ड्यूटीज दी जाती हैं उनको, वाई डू यू थिंक दे मी दे हैव वांटेड टू डेफे द ऑर्डर ऑफ द सल्तनत, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि सुल्तान के आदर्शों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे भी क्या रीजन थे, क्या वो सुल्तान के जो ऑर्डर होते थे उनका उल्लंघन कर सकता था या नहीं कर सकता था, क्या ड्यूटीज होती थी मुफ्तीज की, तो यहाँ मुफ्ती की ड्यूटी के बारे में रीड कर रहे हैं ध्यान से। द ड्यूटी ऑफ द मुफ्ती वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ इन देयर इक्ताज, इक्तेज होता है एरिया, एक कौन सा एरिया जो मुफ्ती के कंट्रोल में होता है, जितना एरिया उसके कंट्रोल में होता है, तो उसकी सबसे पहली ड्यूटी क्या थी, जो मिलिट्री कैंपेन है, सेना के जो अभियान है, उन अभियानों को किसके द्वारा चलाया जाता था, मुफ्ती के द्वारा। ओके, मेंटेन लॉ, अपने एरिया के अंदर कानून को बनाए रखना और मिलिट्री कैंपेन को लीड करना। देयर ऑफिस वॉज मेड नॉट इनहेरिटेबल्स, जो उनके जो पद होते थे वो इनहेरिटेब नहीं थी, यानी कि वंश परंपरा पर आधारित नहीं थी कि जैसे एक दादा था फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा उसी पद पर बना रहे, नहीं ऐसा नहीं था, वो जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती थी, क्वालिफिकेशन होती थी, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको मुफ्ती बनाया जाता था। थर्ड, इक्तावर साइन टू देम फॉर ए शॉर्ट पीरियड बिफोर बींग शिफ्टेड, इक्ताज जो एरिया होता था वो थोड़े टाइम के लिए ही उस मुफ्ती को बनाया जाता था, उसके बाद उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, थोड़े समय के लिए उसके पद पर उसको रखा जाता था, बाद में उसको ट्रांसफर किया जाता था या शिफ्ट किया जाता था। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट ऑफ द रिवेन्यू कलेक्टेड, जो अकाउंटेंट रखे जाते थे उन अपॉइंट करते वक्त ये ध्यान रखा जाता था कि जो लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे कि कितना जो रिवेन्यू है, लगान है वो इकट्ठा हुआ है, लगान की मात्रा कितनी है जिसको इकट्ठा किया गया है। ड्यू टू हार्श कंडीशन ऑफ द सर्विस, इस पद की, इस नौकरी की जो कंडीशन होती थी वो बड़ी कठोर होती थी, दे मे हैव वांटेड टू डिफे द ऑर्डर ऑफ द सल्तनत, इस प्रकार वो सुल्तान के ऑर्डर को अनदेखा करने की कोशिश भी करते थे, ये रीजन थे कि उनकी ड्यूटी ज़्यादा सख्त होने के कारण, उनके नियम ज़्यादा कठोर होने के कारण वो कई बार उसकी आदेश का उल्लंघन भी कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेंशन ऑन द दिल्ली सल्तनत, जो मंगोलों का
आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था दिल्ली संतलत पर, क्या इफेक्ट हुआ था जो मंगोलों ने दिल्ली सुल्तानों के टाइम पे भारत पर आक्रमण किया था, तो इसमें क्या था इम्पैक्ट ऑन द दिल्ली संतलत, क्या क्या रीजन थे, क्या क्या प्रभाव थे। द रेज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, उनके द्वारा जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, एक बड़ी सेना रखनी पड़ी, अपनी एक खुद की बड़ी सेना तैयार करनी पड़ी। हार्श टैक्स वर इम्पोज ऑन पीसेंट्स, ज़्यादा कठोर टैक्स लगाए गए, ज़्यादा बड़े टैक्स लिए जाने लगे, किससे, किसानों से, यानी कि ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए टैक्स लेना पड़ेगा। टैक्स कौन देते थे, किसान देते थे, तो ज़्यादा मात्रा में किसानों से टैक्स लिए जाने लगे। दे स्टार्ट पेइंग इन कैश रेदर देन इक्ताज, यानी कि पहले एरिया दिया जाते थे, इतने एरिया पर इसका कंट्रोल है, इतने एरिया पर इसका कंट्रोल है, तो एरिया की बजाय आप उनको पेइंग केस नकद रुपए देना शुरू कर दिया सैनिकों को, ताकि सेना को अच्छी तरह से मेंटेन किया जा सके। ये थे इफेक्ट दिल्ली सल्तनत पर, किसके, इन्वेंशन के, मंगोल इन्वेंशन के। ये चैप्टर हमारा थर्ड था, वीडियो को ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।